रूबीना दिलैक द्वारा राखी सावंत पर किए गए कमेंट ने लोगों में मचाया हंगामा। रूबीना को लोगों के मिले मिक्स्ड रिएक्शंस। बीती रात बिग बॉस ने सभी घरवालों को दिया एक टास्क, जिसमें हर कंटेस्टेंट को एक एरिया असाइन किया गया था। जहां रूबीना को दिया गया था किचन एरिया, वहीं राखी को मिला बाथरूम, राहुल को बेडरूम, देवोलीना को गार्डन और अर्शी को लिविंग रूम। सभी कंटेस्टेंट्स को दूसरे कंटेस्टेंट को अपने एरिया में लाकर पॉइंट्स बढ़ाने थे। टास्क के दौरान राहुल वैद्य और राखी सावंत एक दूसरे से बात करते नजर आते हैं, जहां राखी इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि वो बताती हैं कि किस तरह उन्हें एक बार मोलेस्ट किया गया था और कैसे उनके हस्बैंड रितेश ने भी उन्हें झूठ बोलकर की थी शादी। राखी ये सब बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। तो वहीं बाहर किचन एरिया में राखी के रोने की आवाज सुन निकी और रूबीना ये मानते हैं कि राखी राहुल को फेक स्टोरी सुना रही थी और कर रही थी फेक कंटेंट जनरेट। इतना ही नहीं, रूबीना और राखी के बीच जब कहासुनी होती है तो रूबीना राखी से ये भी कहती नजर आती है कि वो राहुल को अपनी झूठी कहानियां बता रही थी। रूबीना के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर मच गई है खलबली, जहां कुछ लोग कर रहे हैं रूबीना को सपोर्ट, तो वहीं कुछ लोग रूबीना के कमेंट्स को बुला रहे हैं इनह्यूमन। कुछ फैंस ने लिखा कि रूबीना को अब राखी पर भरोसा करने में हो रही है दिक्कत, तो किसी ने लिखा कि रूबीना को राखी की बातें पता ही नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसी बात की, और अगर उन्हें पता होती तो वो ऐसा नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने तो रूबीना की क्लास ही लगा दी और कहा कि जब रूबीना खुद नेशनल टेलीविजन पर अपने डिवोर्स की बात बताती हैं तो वो कंटेंट के लिए नहीं है और राखी करे तो वो कंटेंट के लिए है। तो किसी ने रूबीना को चुबीना बुलाते हुए कहा कि ये वही रूबीना है जो कहती है कि बिग बॉस एक टॉक शो है और सिर्फ मुँह से बात करनी चाहिए, और जाकर फिर राखी पर पानी फेंक देती है। रूबीना या राखी किसको सही मानते हैं और किसको गलत, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।